गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है जो है जियोग्राफी का चैप्टर वन। उसका नाम है एनवायरनमेंट और ये क्लास सेवेंथ का है। ठीक है तो हम शुरू करते हैं। ठीक है तो फिर आफ्टर द लॉन्ग वकीशंस व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल की जब बहुत लॉन्ग वेकेशन की जो समर वेकेशन होता है उसके बाद जो रवि था वो स्कूल जाने लग गया। ठीक है उसके बाद उसने नोटिस किया कि वो जब जा रहा था तो उसने देखा कि जो एक ही प्लेग्राउंड था, मतलब उनके एरिया में सिर्फ एक ही प्लेग्राउंड था जो उसके स्कूल के सामने था, वो उसमें खुदाई हो रही है। ठीक है तो उसने पूछा कि क्या हो रहा है यहाँ। तो फिर पीपल ने कहा कि यहाँ पे एक नई बिल्डिंग बहुत सारे फ्लैट के साथ बनेगी। और वो सुनते ही रवि जो था वो बहुत ज़्यादा वो हो गया, दुखी हो गया, क्योंकि वो उसको याद आया कि वो जो बिग प्लेग्राउंड था जिसमें सॉफ्ट ग्रास मैरीगोल्ड बटरफ्लाई होती थी वो हमेशा के लिए गई थी। तो उसने ये बात अपने क्लासमेट को बताई। उसके बाद असेंबली में जो प्रिंसिपल था उसने भी कहा कि देखो कैसे हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। तो फिर क्लास में रवि ने मैम से पूछा कि जो उसकी मैम थी उससे उसने पूछा कि एनवायरनमेंट क्या होता है। तो फिर उसकी मैम ने कहा कि जो भी तुम आसपास में देखो वो होता है एनवायरनमेंट। ठीक है जो चैप्टर का नाम है। ठीक है तो फिर रवि बोला मतलब कि जो स्कूल बिल्डिंग टेबल चेयर जो हमारा क्लासरूम और वो ओपन फील्ड जो थी जिसमें अभी वो बनेगा वो रोड जो कूड़ा है वो मेरे दोस्त ये सब हमारे एनवायरनमेंट है। तो उसके टीचर ने कहा हाँ क्योंकि जो जो भी चीज़ आप देखो अगर आप बैठ के देख रहे हो तो आप किस पे बैठे हो, टेबल पे बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, जहाँ पे भी बैठे हो वो आपके एनवायरनमेंट में आता है। ठीक है और जो भी चीज़ है पेड़ पौधे जो भी होता है वो आपके एनवायरनमेंट में आता है। उसके बाद उसकी टीचर ने कहा कि रुको कुछ ऑब्जेक्ट होती हैं जो नेचर बनाती है जैसे कि माउंटेन रिवर ट्री एनिमल की जो माउंटेन है वो इंसान थोड़ी ना बनाते कि चलो एक पहाड़ बना लेते हैं या नदी है नदी थोड़ी ना इंसान बनाते हैं। नदी तो पानी से बनती है और वो कब बनती है जब पहाड़ों से वो पानी जो है वो मेल्ट हो जाता है। ठीक है और लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो लोग बनाते हैं हम लोग बनाते हैं जैसे रोड गाड़ी कपड़े बुक। अब रोड थोड़ी ना कि नेचर बनाती है अपने आप ही बन जाते हैं रोड। पहले हम सोकर उठे तो देखा कि रोड है सामने। ठीक है तो फिर अभी अब ये कह रहा है हमें कि अब ग्रुप में काम करो पेयर में काम करो। पेयर होता है दो दो को कहते हैं पेयर। ठीक है और फिर एक लिस्ट बनाओ अपने क्लासमेट अपने दोस्तों के साथ एक लिस्ट बनाओ जो आपके साथ बैठा हुआ है जो वो किसकी बनानी है क्रिएशन ऑफ नेचर की जो जो चीज़ें नेचर ने बनाई हैं और जो जो चीज़ें इंसानों ने बनाई है। ठीक है तो अभी देखते हैं यहाँ पे एक ब्लू बॉक्स है इसमें एक पेड़ की फ़ोटो है। तो अब ये दिखा तो ये पेड़ की फ़ोटो से ये कहना चाहते हैं कि ये भी हमारे इन्वायरमेंट में है। तो ये कह रहा है कि जो इन्वायरमेंट है वो हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है ये हमको हवा देता है। तो ये हमको हवा देता है वो ब्रीद के लिए ये हमको पानी देता है जो हम पीते हैं और ये हमको फूड देता है खाने के लिए और लैंड देता है जहाँ पे हम रहते हैं। ठीक है और उसके बाद तो फिर अब जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सब ने आप इसको वो मॉडिफाई कर रहा है नेचुरल एनवायरनमेंट को। ठीक है जो जो कार का फ्यूम्स होते हैं वो हवा ख़राब कर देती है कि जो गाड़ी में से जैसे पॉल्यूशन निकलता है उससे वो पॉल्यूशन नहीं हो जाता एयर पॉल्यूशन। और ये कह रहा है वाटर इज कलेक्टेड इन अ पॉट कि जब पॉट में वो उस वाटर को कलेक्ट कर दिया फूड जो है वो वेसल्स और लैंड है वो फैक्ट्रीज में बदल दिया। ये कहना चाहता है कि हम अब नीड से उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं जो ह्यूमन बींग है वो गाड़ी मिल फैक्ट्री मैन्युफैक्चर कंटेनर्स ये सब बनाता है और इसी तरह जो है वो अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करता है। तो ये
सिर्फ ये बॉक्स तो था, ये बताना चाहता है कि कैसे हम वो करते हैं, मॉडिफाई करते हैं एनवायरनमेंट को। ठीक है, तो चलो आगे। तो ये कह रहा है रवि, रवि है ये, परमजीत, जेसी, वो मुस्तफ़ा, आशा, ये सब एक्साइटेड थे। क्यों एक्साइटेड थे? क्योंकि ऊपर बताया नहीं क्या था कि लिस्ट बनानी है उससे। तो फिर हमारा, तो एक उनमें से एक कबल है, वो पूछता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो चेंज क्यों हो रहा है। तो फिर गर्लफ्रेंड टीचर कहती है कि ये हमारे नीड्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, कि जो हमें ज़रूरत पड़ रही है उस वजह से वो हो रहा है। ठीक है, और फिर कहती है कि और ये हमारी जो नीड्स हैं वो डे बाई डे बढ़ती जा रही है, और इसलिए हम उसको मॉडिफाई करते जा रहे हैं, और कभी कभार हम उसको अपने नेचुरल सराउंडिंग को डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर क्या अगर वो पे हमें एक बिल्डिंग बनानी है, तो फिर जैसे वो अपने ऊपर पढ़ा था कि जो प्लेग्राउंड है उसमें कितने सारे मैरीगोल्ड ट्रीज ये सब थे, तो अब वो ऑक्सीजन दे रहे थे, लेकिन अब हमने उसको उस पर बिल्डिंग बनानी, तो अभी हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है कि उधर से निकला हुआ। ठीक है, तो फिर अभी कह रहा है जो जो अभी ऊपर आपने बात सुनी उनकी, इससे हमें ये पता चलता है कि वो जगह, लोग और थिंग जो है वो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म से सराउंड करती है, और उसको क्या कहते हैं हम, इन्वायरमेंट। ठीक है, तो फिर ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, नेचुरल और ह्यूमन मेड का। ठीक है, तो फिर जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो बहुत दो चीज़ों में बटा हुआ होता है, बायोटिक और एबायोटिक कंडीशन एक्जिस्टिंग ऑन अर्थ। ठीक है, तो अभी बायोटिक और एबायोटिक क्या होता है, तो अभी हम ये पढ़ेंगे। बायोटिक होता है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल प्लांट एंड एनिमल, की जो वर्ल्ड है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वर्ल्ड। ठीक है, कि जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे कि पेड़ पौधे जानवर इन सब की वर्ल्ड। ठीक है, तो फिर बायोटिक और एबायोटिक, और फिर अब पढ़ते हैं एबायोटिक क्या होता है, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, एग्जांपल लैंड, कि जो जो न जो चीज़ें जिंदा नहीं हो, मतलब जैसे लैंड कहा, लैंड, रोड, रिवर, वाटर, ये सब होते हैं एबायोटिक। ठीक है, हमने ऊपर क्या एक ये रखा था, इसमें बता रहे हैं कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये होता है कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमंस। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो फिर अभी ये यहाँ पर एक दो लाइन है, ह्यूमन एनवायरनमेंट रेफर्स द एक्टिविटी क्रिएशन एंड टैक्सन अमंग ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो फिर अब वर्ड ओरिजिन, एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, ये होता है फ्रेंच, फ्रेंच वर्ड से आया है इन इन इनवीनोर, इसका मतलब होता है नेबरहुड की। जैसे कि एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, मतलब एनवायरनमेंट का जो मतलब है वो है नेबरहुड, नेबरहुड मतलब कि हमें इस जो सराउंडिंग से वो सब। ठीक है, तब हम पढ़ेंगे क्या, ऊपर हमने क्या देखा था, नेचुरल एनवायरनमेंट देखा था ना, देखो ये रहा नेचुरल एनवायरनमेंट, हमने कहा था नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमंस। ठीक है, तो अभी हम उनमें से सबसे पहले पढ़ने वाले हैं नेचुरल। ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट जो जब लैंड, वाटर, प्लांट एंड एनिमल कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट, वी आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोसफेयर एंड बायोस्फेयर। तो अब जिस जिसको समझ नहीं आया कि क्या होता है, तो फिर मैं आपको बता दूँ कि जो लिथोस्फेयर होता है वो होता है हमारा ज़मीन, जो भी जमीन लैंड है उसको हम कहते हैं लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर क्या होता है, हाइड्रोस्फेयर होता है पानी, जो ये पानी होता है जो बादलों से टपकता है नदियों में, झरनों में, ये क्या होता है, हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, उसके बाद क्या है, एटमोसफेयर। एटमोसफेयर होता है जैसे ये अर्थ है तो इसके आसपास ये एटमोसफेयर नहीं होता, जिसमें से हमको गैस मिलती है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मतलब ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर तो आप चैप्टर 4 में पढ़ोगे, लेकिन अभी समझ लो कि एटमोसफेयर होता है। उसके बाद बायोस्फेयर, बायोस्फेयर होता है सबसे इम्पोर्टेंट, बायोस्फेयर है। ठीक है, बायोस्फेयर क्या होता है, बायोस्फेयर एक छोटी सी जगह है जहाँ पे जो सारे ऑर्गेनिज्म हैं वो जिंदा रह सकते हैं एक साथ। ठीक है, तो फिर अभी हम आगे चलते हैं, तो अब हम क्या पढ़ेंगे इनके बारे में, और भी ज़्यादा फैक्ट पढ़ेंगे इन डोमेन के बारे में।
मैंने अभी ये बताया ना, ये सब इनके ही कह रहे हैं। अभी हम उन सब के फैक्ट पढ़ेंगे डोमेन के। तो सबसे पहले क्या है, लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होता है? लिथोस्फेयर जो है वो सॉलिड क्रस्ट होती है, मतलब लैंड, लैंड जो है वो सॉलिड क्रस्ट होती है, ठीक है। या फिर हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। अभी आप चैप्टर टू में ये सब भी पढ़ोगे, ठीक है। किससे बनी होती है? ये बनी होती है रॉक्स और मिनरल्स से। वो री किससे कवर्ड होती है? अर्थ से, ठीक है। ठीक है, तो फिर अब ये थिन लेयर ऑफ सॉइल से कवर्ड होती है। ये होता है इरेगुलर, हर जगह ऐसे वो प्लेन नहीं होता, कहीं पे ऊंचे पहाड़, कहीं पे खाई, ऐसे होता है, ठीक है। तो फिर आगे चलो, ये रॉक्स एंड मिनरल के बने होते हैं। और ये था, उसके बाद वेरियस लैंडफॉर्म होते हैं जिसमें माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, वैली एक्सेट्रा लैंडफॉर्म आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो द ओशन फ्लोर। की जो ओशन है, ओशन है ये, इसके नीचे भी जो लैंड होता है, ये नहीं कि अनलिमिटेड है, इसकी डेप्थ होती है। और जहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है वो बहुत नीचे होता है, लेकिन वो होता है उधर भी ये लिथोस्फेयर ही होता है। और कहीं पहाड़ है, पहाड़ के ये जो पार्ट है ये भी लिथोस्फेयर ही है, ठीक है। तो फिर अब हम बताते हैं, लिथोस्फेयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट, ठीक है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि लिथोस्फेयर ये एक ऐसी जगह है, यहाँ पे दिखा भी रखा है, देखो लिथोस्फेयर है ये, लिथोस्फेयर में आता है जिसमें हमें ये वो मिल जाता है लैंड एग्रीकल्चर के लिए, ताकि हम तक खाना पहुँच जाए। यहाँ पर ही हम रोड बनाते हैं, यहीं पर ही हम रहते हैं, ठीक है। तो फिर ये जो ये कह रहे हैं कि ये सोर्स है मिनरल वेल्थ का भी, ठीक है। आगे चलो, जो डोमेन है वाटर का, उसे हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। मैंने बताया था ना, इसमें क्या क्या होता है, इसमें बहुत सारे सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक, सी, ओशन, इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये है कि ये होता है हाइड्रोस्फीयर जो होता है वो होता है पानी, जो पानी होता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रो, हाइड्रो से भी आप समझ सकते हो, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, स्फेयर का मतलब होता है, स्फेयर एक शेप होती है, मतलब पानी का अर्थ, मतलब कि अर्थ पे जितना भी पानी है उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। आगे चलो, ये इसमें क्या क्या होता है, इसमें पानी होता है, वाटर बॉडी होती है जैसे लेक, सी, ओशन एक्सेट्रा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे ही हमें पानी मिलता है। तो फिर चलो आगे चलते हैं, हाँ ठीक है। तो फिर अब आगे चलते हैं, इसमें है ये, तो अभी हम पढ़ते हैं। तो फिर अब आप ये कह रहे हैं कुछ करते हैं, लेट्स डू क्या, अपने सराउंडिंग्स को देखो और उसकी लिस्ट बनाओ, ठीक है। देखिए उसकी लिस्ट बनाओ कि क्या लिस्ट बनाओ, यूजेस डैट द लैंड इन योर नेबरहुड इज बीइंग अप टू, कि जो लैंड है आपके आसपास का उसमें क्या यूजेस हैं, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं आगे, ये वापस से कह रहे कुछ करो, क्या करो। तो फिर ये वाटर जो आपके घर और स्कूल में आता है वो कहाँ से आता है, इसके बारे में भी एक लिस्ट बनाओ, ठीक है। तो अभी आगे कह रहे हैं कि वाटर जो है वो हमारी डेली लाइफ में होता है। तो आपने कभी किसी को वाटर वेस्ट करते हुए देखा है? और अगर देखा है तो कैसे, क्या कर रहा था वो, कि वाटर जो है वो वेस्ट हो रहा था, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे है। अब आप ये कह रहे हैं अपने स्काई को देखो जब आप स्कूल से आ रहे हो, और फिर एक नोट बनाओ कि कब ये क्लाउडी था, रेनी था, सनी था, फॉगी था, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या है, एटमॉस्फेयर। ये आगे हमारा नया स्फेयर, एटमॉस्फेयर। एटमो होता है एयर, एयर को हम कहते हैं एटमो, ठीक है। तो फिर ये जो एटमोसफेयर है ये है थिन लेयर, छोट वो थिन होती है ये बहुत, ठीक है, जो अर्थ को सराउंड करती है। अगर ये अर्थ है तो ये जो है ये होता है एटमोसफेयर, ठीक है। इसका जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो, अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो उसको वो करता है, पकड़ के रखता है। और ये जो है ये हमें वो हार्मफुल रेस से बचा कर रखती है, ठीक है। ये हमको हार्मफुल रेस से बचाती है, हीट ऑफ सन से बचाती है,
जिसमें नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट और वाटर वेपर होते हैं, और जो चेंजेस होते हैं एटमॉस्फेयर में वो वेदर और क्लाइमेट में भी चेंज लाते हैं। वेदर और क्लाइमेट आप साइंस में पढ़ोगे और जियोग्राफी में भी पढ़ोगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। प्लांट और एनिमल किंगडम जब एक साथ आ जाते हैं तो उसे हम कहते हैं बायोस्फेयर या फिर लिविंग वर्ल्ड। ये बहुत छोटा जोन होता है, जो मैंने कहा था ना बहुत छोटा होता है, जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर जो है वो एक साथ इंटैक्ट करती है। क्यों? ताकि टू सपोर्ट लाइफ, ठीक है। तो चलो अब आगे। अब यहाँ साइड में है इकोसिस्टम ग्लोसरी, ठीक है। ये जो है ये एक सिस्टम होता है, किससे बनता है? इंट्रैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ, जिसमें फिजिकल और केमिकल दोनों फैक्टर होते हैं, और जो इन्वायरमेंट, ठीक है, ठीक है। तो फिर जहाँ पे हम रहते हैं, और ये जो होता है ये एनर्जी और मटेरियल का ट्रांसफ़र भी करने में मदद करती है हमें, ठीक है। तो फिर अभी चलते हैं आगे हम। तो फिर अभी है व्हाट इज इकोसिस्टम, ठीक है। एक एनसीसी कैंप है जहाँ पे रवि की क्लास अभी अटेंड कर रही है। जैसे ने कहा कि कितना हैवी डाउन पे है, ये मेरे को मेरे घर केरला की याद दिलाती कि जो उसका गांव है वो केरला में है। तुम और वो कहती है कि तुम्हें भी आना चाहिए उधर, उधर आपको दूर दूर तक खाली फेस, कोकोनट प्लांटेशन ये सब दिखेगी। और फिर हीरा जो जैसलमेर का है, राजस्थान में है जैसलमेर, वो कहती है हमको तो बिल्कुल भी बारिश नहीं मिलती, हम कैसे ये सब उगाए। और वो कहती है हमें यहाँ पे सिर्फ कीकर और सैंड ही मिलती है जहाँ जहाँ तक आँख देख सके, लेकिन आपको यहाँ पे मिलेगी कैमल, ये कहा रवि ने, ठीक है। तो फिर जो हीरा है वो कहती है यहाँ पे आप ऊँट नहीं, यहाँ अगर आप हमारे डेजर्ट में आओगे तो आपको सांप, छिपकली और अदर इंसेक्ट भी मिल जाएंगे। तो रवि कहता है कि ये जो एनिमल और वेजिटेशन है ये अलग अलग प्लेस में अलग अलग क्यों होती है, क्या वो एक दूसरे से मैच करती है? तो फिर जो टीचर होती है वो कहती है हाँ यही करती है, ठीक है। तो फिर आगे है सारे प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग वो अपने सराउंडिंग्स पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं? अपने सराउंडिंग्स, एनवायरनमेंट पे। तो फिर जो होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, जो इंसान और वो होते हैं वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ये जैसे कि जो इंसान है वो पेड़ों को क्या देंगे? CO2 देंगे, मतलब जब ब्रीद करते हैं, जब तो लेते ही लेते हैं, लेकिन अब इतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो फिर पेड़ों को वो पूरा एक भंडारी दे रहे हैं CO2 का, और उसके बदले वो क्या कर रहे हैं? प्लांट जो हैं वो हमको O2 दे रहे हैं। अगर इसमें प्लांट O2 देना बंद कर दें तो फिर हमारा CO2 तो जाएगा लेकिन वो किसी को मिलेगा नहीं, और अगर हम वो CO2 देना बंद कर जाएँ तो फिर वो प्लांट को नहीं मिलेगा और वो प्लांट भी जो हैं वो मर जाएंगे। तो फिर अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो फिर जो सारे हाँ ठीक है। तो फिर क्या तुम सोचते हो कि जहाँ रवि ठीक है, तो फिर अब ये है कि जहाँ पे सोच जो ये सब बात कर रहे हैं ये सब तुम सोचते हो कि इकोसिस्टम में आता है, तो ये इकोसिस्टम में, चलो ये आप होमवर्क में बताओ, मेरे को पता है, लेकिन अब होमवर्क है आप कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। तो फिर ये है डू यू नो, क्या तुम्हें पता है कि जो 1 जून होता है हर साल वो होता है एनवायरनमेंट डे, क्यों सेलिब्रेट होता है? ये यहाँ नहीं लिखा लेकिन मैं बता देता हूँ, इसे सेलिब्रेट होता है ताकि हम लोग एनवायरनमेंट को ख़राब ना करें, क्योंकि अगर हमने एनवायरनमेंट को ख़राब कर दिया तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। तो फिर अब आगे चलते हैं। अब ये बता रहे हैं एक सिस्टम बार्टर सिस्टम, ये होता है एक ट्रेड होता है जिसमें गुड्स जो है वो एक्सचेंज होते हैं मनी के बिना, कि कोई एक किसी को एक चीज़ देगा और वो उसके बदले में उसको दूसरी चीज़ देगा, मनी जो है वो यूज़ नहीं होती है। और ये पहले होता था बहुत, जब हिस्ट्री में पढ़ोगे तुम वाटर सिस्टम और अच्छे से, कि जो जैसे बंजारास, मतलब बंजारास तुमको पता भी नहीं होगा, पहली बार सुन रहे होगे, तो जो बंजारास थे वो
एक चीज़ लेके दूसरी चीज़ दे देते थे। ये अभी ज़्यादा मत सोचो इसके बारे में, क्योंकि ये तो अभी बहुत दूर है। इसी सेवेंथ की हिस्ट्री के चैप्टर सिक्स में ही है, ठीक है। तो अभी चलते हैं। ये कह रहे हैं ह्यूमन बींग जो है वो इंट्रैक्ट करते हैं इन्वायरमेंट से और उसको मॉडिफाई करते हैं अपनी नीड के हिसाब से। जो पुराने ज़माने के ह्यूमन्स होते थे, जैसे वो जैसे अगर पुराने ज़माने के जैसे आदिवासी, वो सब वो अपने नेचुरल सराउंडिंग्स में रहते थे, वो बिल्कुल सिंपल रहते थे और अपनी रिक्वायरमेंट वो नेचर से पूरी कर लेते थे। लेकिन फिर समय के साथ साथ जब वो और ज़्यादा बढ़ती गई, तो ह्यूमन ने नए तरीके ढूंढ लिए अपने इन्वायरमेंट को चेंज करने के। उनने सीख लिया कैसे क्रॉप ग्रो करें, कैसे डोमेस्टिकेट करें, एनिमल को कैसे रखें और एक सेटल्ड लाइफ जी। इन सब के बारे में भी आप पढ़ोगे हिस्ट्री में कि कैसे उन सब ने ये सब किया, ठीक है। हिस्ट्री में बहुत मजे आएंगे जब मैं पढ़ाऊँगा ना, जब वो देखना कितने मजे आएंगे। तो फिर जो व्हील था वो इन्वेंट हो गया और जो फूड था वो प्रोड्यूस होने लगा। वाटर सिस्टम, मैंने कहा था ना वाटर सिस्टम पहले ज़्यादा यूज़ होता था, वो इमर्ज हो गया, मतलब कि वो भी फैलने लग गया। और इसकी इससे जो और कॉन्फ्रेंस डेवलप हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ जिससे कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन वो फास्टर हो गया कि गाड़ी बन गई, पहिए बने पहले, फिर उससे ये सब बनता गया। उसके बाद फिर कम्युनिकेशन जो है वो और ईजी और फैल गया वर्ल्ड में, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि तुमने कभी सोचा है कि जब आप जूसी वाटरमेलन खाते हो समर में और हॉट रोस्टेड पीनट्स खाते हो विंटर में, ये एक परफेक्ट बैलेंस है। किसके बीच में बैलेंस है? ये है नेसेसरी बैलेंस है किसके? नेचर एंड ह्यूमन के बीच में। ह्यूमन ने सीख लिया कि कैसे इन्वायरमेंट में रहे, ठीक है। तो हम आगे जाएं उससे पहले हम ये वो लेट्स डू कर लेते हैं। ये कह रहा है कि किसी एंट्री पर्सन, किसी बड़े बड़े अपने मम्मी पापा उन सब की हेल्प से अपने नेबरहुड में जाओ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। किसके बारे में? ट्रीज, अपने नेबरहुड के ट्रीज जहाँ पे वो खेलते थे, रहते थे, जहाँ हमारी एज में। अभी आप कितने साल के होंगे? 12-13 साल के होंगे ना। तो फिर पूछना जब वो कहाँ करते थे। और इंडोर गेम्स जहाँ वो खेलते थे, उनकी फेवरेट फ्रूट, और वो कैसे खुद को कंफर्टेबल करते थे हॉट समर और कोल्ड विंटर में, क्योंकि जब ना वो कोल्ड में हीटर होता था और ना ही कोल्ड में ना हीटर होता था और ना ही हॉट में एसी होता था। और अपने आंसर बताओ, ठीक है। तो आगे चलते हैं। न्यूरी, अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम फ्रॉम रवि क्लास, ऑफन टॉक अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग ऑफ हर प्लेस, सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड, न्यूरी इनवाइट हिम टू विजिट हर होम स्टे ड्यूरिंग कमिंग वेकेशन। रवि टीचर आस्क्ड स्टूडेंट टू ड्रॉ द लैंडस्केप हाउसेस एंड एक्टिविटी ऑफ द पीपल एंड प्लेसेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज। तो ये कह रहे हैं कि जो रवि है वो दुखी हो गया। क्यों वो दुखी क्यों हुआ? क्योंकि जो वो उसका प्लेग्राउंड था वो चला गया था, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, वीडियो थोड़ी छोटी ही है, तो अभी हम ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम है एक सिस्टम जिसमें प्लांट, एनिमल ये सब मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? ताकि वो लाइफ सपोर्ट कर सके, ठीक है। आगे चलते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट से क्या आपका मतलब है? तो नेचुरल से हमारा मतलब कि जो एनवायरनमेंट जैसे नेचर ने बनाया, क्यों बनाया? ताकि लाइफ हो सके, ठीक है। आगे चलो। तो फिर अब आगे है वो कोई मेजर कंपोनेंट बताओ, मतलब तीन होते हैं ह्यूमन मेड नेचुरल, ठीक है। आगे चलो, कोई चार एग्जांपल दो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के। तो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के चार एग्जांपल, रोड, बिल्डिंग, हाउसेस और डैम, इतने सब कुछ होता है। लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर होता है एक डोमेन जहाँ पे जो होता है हार्ड सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज लिथोस्फीयर। ये कहाँ होता है? ओशन में तो होता ही होता है, ओशन में होता है, पहाड़ होते हैं उसके इस एरिया को भी लिथोस्फीयर में ही काउंट किया जाता है। अगला है
अगर वो बायोटिक एनवायरनमेंट के मेजर कंपोनेंट बताओ, क्या होते हैं मेजर कंपोनेंट बायोटिक एनवायरनमेंट के? बायोटिक के होते हैं, बायोटिक एबायोटिक क्या होता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है? तो अभी मैं बता देता हूँ। बायोटिक एनवायरनमेंट के हैं कि जैसे बायोटिक होता है कि वो जो सारे लिविंग क्रिएचर, जैसे वो ह्यूमन हो गए, कीड़े मकोड़े, ये सब कहाँ आते हैं? बायोटिक में, ठीक है? आगे व्हाट इज बायोस्फीयर? बायोस्फीयर एक नैरो जोन है जहाँ पे लाइफ जो है वो पॉसिबल है, और उसमें सारे एनिमल और वो सब इंटरेक्ट करते हैं। तो फिर विच इज़ नॉट एन नेचुरल इकोसिस्टम? डेजर्ट। डेजर्ट ये नेचुरल है। एक्वेरियम ये नहीं है नेचुरल। फॉरेस्ट ये नेचुरल है। वॉट इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट? ठीक है, लैंड, रिलीजन, कम्युनिटी। इसका आंसर है लैंड, क्योंकि रिलीजन कम्युनिटी जो है वो होता है, ठीक है? विच इज़ अ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट? माउंटेन, सी, रोड। रोड होगा इसका आंसर, ठीक है? वॉट इज़ अ थ्रेट टू इन्वायरमेंट? ग्रोइंग प्लांट, ग्रोइंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग क्रॉप्स। इसमें पता ही चल गया होगा, ग्रोइंग पॉपुलेशन। अब ये मैच करना है। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर क्या होता है बताओ? बायोस्फीयर होता है एक नैरो जोन। देखो, बायोस्फीयर होता है एक नैरो जोन जहाँ पे ये सब जो ये हैं, ये लाइफ जो है वो सपोर्ट करती है, ठीक है? ये होगा, ठीक है? एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर होता है ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड द थाइडोस्फेयर। क्या होता है वो? डोमेन ऑफ वाटर। इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट होता है ये रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। गिव रीजन। मैन मॉडिफाई हिज इन्वायरमेंट। मैन क्यों मॉडिफाई करता है इन्वायरमेंट को? वो इसलिए मॉडिफाई करता है ताकि उसकी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो जाए, ठीक है? प्लांट और एनिमल जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। क्यों डिपेंड करते हैं? प्लांट जो है वो मैंने बताया O2 देते हैं, और जो एनिमल है वो क्या देते हैं? CO2 देते हैं वो, इसलिए वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। और भी बहुत सारे रीज़न हैं इसके, ठीक है? अब है लास्ट एक्टिविटी। एक्टिविटी कर रहे हो एक आइडियल इन्वायरमेंट जहाँ पे तुम वो टू लिव। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर आइडियल इन्वायरमेंट, ठीक है? ये तो पिक्चर का है, ये आप खुद कर लेना। तो हो गया हमारा पूरा चैप्टर खत्म विद NCERT एक्सरसाइज। थैंक यू।